तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रोहित मौर्य और आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। और हम सीख रहे बेसिक टू एडवांस मेंस हेयर कटिंग कोर्स, और आज का क्लास नंबर 1 है। और मैं आपको एक बेसिक आइडिया देने वाला हूँ कि हम आने वाले कोर्स में कौन से गैजेट्स यूज करने वाले, कौन से टूल्स यूज करने वाले हमारे हेयर कटिंग के लिए। तो चलो फटाफट जान लेते हैं कि कौन से टूल्स होने वाले। तो दोस्तों, अभी मैं जो आपको टूल्स बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं आपको सब टूल्स अभी के अभी लेने, लेकिन दो तीन चीज़ें जो आपको जल्द से जल्द लेनी है ताकि आप मेरे साथ अगर सीख रहे हो तो आपको ज़्यादा फायदेमंद रहे और आप अच्छे से सीख पाए, मेरे साथ प्रैक्टिस कर पाए। और ये सब टूल्स है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो अभी मैं आपको जो टूल्स बताने वाला हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ वो भी बताऊँगा, और आपको कौन सा अभी लेने वो भी बताऊँगा। आपको अभी सब नहीं लेना है क्योंकि बेसिक है अपना भी, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए जो दो तीन चीज़ें लगने वाली है जिसको आपको एकदम हार्ड प्रैक्टिस करना है ताकि आपका एकदम जो बेस है वो एकदम एकदम मतलब बोलते हैं ना एकदम स्ट्रांग बने, ताकि आगे आपको कुछ दिक्कत ही ना आए। तो उसके लिए टूल्स है आपको मैं बता दूँ फटाफट, और आप नोट डाउन कर लो, ट्राई करना दो तीन चीज़ें जो आपको मैं देने वाला हूँ अभी बताने वाला हूँ वो आप फटाक से ले लो और मेरे साथ प्रैक्टिस शुरू करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो फर्स्ट है वो सीजर, ये बेसिक सीजर है जिसको हम बार बार सीजर बोलते हैं। देखो तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको हाथ प्रॉपर, आपका जो हैंड मूवमेंट हो प्रॉपर होना चाहिए उसके लिए, तो ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये लेनी है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, इसको आप ठुकरा नहीं सकते कि इसके रिप्लेसमेंट में कुछ और घर की जो सीजर है वो यूज़ करूँगा, नहीं। अगर आपको प्रॉपर काम सीखना है तो आपको यही लेनी पड़ेगी। इसके साथ आती है दूसरी थिनर, ठीक है, ये अगर आप बाद में लोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको बस बता के रख रहा हूँ, अगर एक एक टॉपिक क्लियर कर रहा है तो उसके साथ हर एक चीज़ बता रहा हूँ। ये हुआ थिनर। उसके बाद ट्रिमर से आपको, ये देखो ये दो ट्रिमर है, इसके अलावा भी मेरे पास और चार पांच ट्रिमर है लेकिन मैं अभी आपको दो दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके साथ मैं ज़्यादा वर्क करता हूँ। तो ये आपको दो ट्रिमर लेने बाद में, ये अभी आपको रिसेंटली आपको फटाक से ये लेना है। ट्रिमर कोई भी ब्रांड करे लेकिन बड़ा क्लिपर लो ही, ठीक है। उसके बाद आते हैं कोम, पांच कोम जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ उसके अंदर ये दो कोम का वर्क सेम है, ठीक है, और ये दो कोम का वर्क सेम है, और ये है एकदम डिटेलिंग के, जो जीरो का फेड मर्जिंग वो सब रहता है उसके लिए एकदम बोलते हैं लास्ट वर्क में डिटेलिंग के लिए काम आता है, ठीक है। तो इसको मैं जीरो कोम बोलता हूँ, और ये नंबर वन कोम है, और ये जो है बड़े काम के लिए काम आता है। तो उसके अंदर ये कोम आपको कंपलसरी लेना है, कंपलसरी मतलब कंपलसरी, इसके लिए भी कुछ रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए। उसके बाद आता है रेजर, रेजर भी आपको लेना है क्योंकि आपको जो प्रैक्टिस करना है रेजर का ये इसके ऊपर ही होगा, रेजर का साथ जो आपको प्रैक्टिस करना है उसके लिए आपको रेजर काम आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट है हेयर कट, हेयर कट के अंदर डिटेलिंग रहता है और डिटेलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, हर कोई डिटेलिंग नहीं कर सकता, ठीक है। तो डिटेलिंग काम के लिए जो शेविंग और हेयर कट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप बार बार लाइफ में हो ये दो चीज़ों के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, हेयर कट और शेविंग। तो इसके लिए आपको सीजर, ट्रिमर और ये जो रेजर है वो लगने वाला है। तो ये जो तीन चार चार चीज़ें ना, सीजर, ये चार चीज़ें आपको लेनी ही लेनी है, ठीक है। और इसके साथ हम कोर्स स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद और आपको लगने वाला है वो है ब्रश। और ये ब्रश मैं यूज़ क्यों करता हूँ, जब भी हम क्लाइंट के ऊपर फेड वर्क काम करते हैं, फेड करते समय होता क्या है कि बारीक बारीक जो हेयर्स रहते हैं छोटे छोटे वो क्लाइंट के स्कैल्प के ऊपर चिपक जाते हैं, तो उसके उससे क्या होता है कि प्रॉपर एक डिटेल वर्क दिखता नहीं है, तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ। उसके बाद आता है ड्रायर, फटाफट बता देता हूँ, अभी ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करनी है, फटाफट बताता हूँ। ये हुआ ड्रायर, ये आपको लेना है, कोई भी कंपनी का रहे चलेगा, ये सब एंड में लेना है, ठीक है, मैं बस आपको बता रहा हूँ लिस्ट क्या क्या लगेगी। उसके बाद आता है राउंड ब्रश जो स्टाइलिंग के लिए काम आएगा, और उसके बाद ये क्लीनिंग ब्रश रहता है जो ऐसा क्लीन करने के लिए क्लाइंट, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद स्प्रे बॉटल हुई, और जो भी आप क्लिपर लोगे उसके साथ आपको ये जो रहता है अटैचमेंट वो सब तो मिलता ही है, तो ये हुआ। और उसके साथ जो प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हम क्लाइंट के ऊपर हेयर स्टाइलिंग के लिए वो सब तो आपको मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन ये बेसिक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है जो हमको लेनी है कुछ भी हो जाए, अगर आपको अच्छा काम सीखना है इसको आप निगलेक्ट मत करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस कोर्स सीख रहे हो और उसका प्रैक्टिस नहीं कर रहे, क्योंकि उसका फिर कुछ बोलते ना कि आपके लिए कुछ यूज़फुल नहीं है, आप सिर्फ सीख लोगे कि ये थ्योरी नॉलेज अलग हुआ और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा अलग हुआ। तो प्रैक्टिकल अगर आपको अच्छे से करना है तो आपको ये सब चीज़ें लेनी है। तो बेसिक आपको क्या क्या लेना है मैं फिर से एक बार रिमाइंडर देता हूँ, भूलना मत, सब चीज़ें लेके मत रखो, दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें, ट्रिमर, कोम, सीजर और रेजर, ये चार चीज़ें आपको लेनी है। तो हम कोर्स स्टार्ट करेंगे इसके बाद। थैंक यू सो मच, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।